और जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं कहाँ जी? सेलिंग जम्बा। सेलिंग जम्बा मतलब ब्रिज। क्या पानी है आगे जो है। इधर इधर बैठ के हम, ये हमारे तरबूज काट के लाए हैं, वो खाएंगे। आगे खूबसूरत जगह है, लेकिन हम यार तरबूज में पूछेंगे भाइयों से पूछेंगे। गलती जबान आती है कहीं तो कुछ तो फायदा हो। आगे जाते हैं यार, उसे ऐसे नहीं वो है ना, आगे वो गाड़ियाँ जा रही है। यहाँ पे वो स्टॉप पे चला जाएगा। स्टॉप पे क्या करना है? अच्छी जगह बनी है राइट साइड। नाज़रीन, हम सेलिंग इंटर हो चुके हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जो है आएगा कोई बाग शाख सेलिंग का। और ये पानी है बहुत बड़ा, हमें पार करना है, लेकिन कोई बात नहीं, फिरोज के पास वाटर जाएगा। हाँ, शूज़ हैं, निकल जाएंगे यार, इतना वो नहीं है, गहरा नहीं है पक्का। यार एकदम डर से बोलो, तरबूज दफन हो जाए। चलो तू पकड़ रहा था क्या तरबूज? ओहो हो, इस पे तो वो पानी पानी वाला गाना बनता है। सारे मच्छर ही मच्छर है, लेकिन कोई मसला फिर आज यार पानी बड़ा पता ठंडा था यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे शूज गीले हो चुके हैं। शूज़ की खैर है यार, ये तरबूज सारे जो है पानी पानी हो गए, जल्दी चलो। तरबूज नीचे नहीं खा रही तो वहाँ सेलिंग पुल पे खाना था। शाबा शाबा। तुम्हें कौन सी समझ आती है बख्शिशु? गैर से निकाल ले यार, मरे मरे यार हमारा अब्दुल रजा साहब। यारा गैस निकली, दल बना दूंगी। ये क्या है? सोख है, सोख क्या चीज है? ये देखो गाड़ियां तो आई हुई है काफी हैं, वीडियो बन रही है। अच्छा वो है वो इधर, हाँ साइड पे कर दो। सेलिंग का फुल व्यू पहुंच चुके हैं, हम बाइक दौड़ा रहे हैं हम। और ये ऊपर आप देख सकते हैं अब्दुल वैली, और यहाँ लोग जो हैं वो खा पी रहे हैं साइडों पे, हम भी खा पी लेंगे। पंजाबी लग रहा है इस तरह के ना, दो नंबर काम पंजाबी नहीं मतलब एक नंबर काम। ये नीचे पानी जा रहा है जहाँ पे यार धूप पड़ रही हूँ। नीचे आ, नीचे 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 घुमाओ घुमाओ, उधर नीचे एंड तक जाना है। और ये पहाड़ तोड़ रहे हैं पता नहीं क्यों, इसमें से ना डायमंड निकल रहे। तू भी काम किया था। एक डायमंड निकला है ना, तो इसमें कितने जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर चलना है पंजाबी के सामने, वहाँ धूप पड़ रही है। या वो जो आगे है इधर इधर आ जाओ, राइट राइट सर। नहीं जा सकते हम लोग इस साइड, जाएंगे ना बड़े तरबूज खा ले। कैसे जा सकते? नहीं जा सकते, पता नहीं जा सकते ना वहाँ से रास्ते बनाओ। अरे ये पानी तो बहुत ज़्यादा है ना। और इसमें है जी, हाँ जी खान तरबूज रहे यार। तरबूज जो है ना सारा पानी पानी हो गया, इसमें मछलियाँ भी आती है पता है। कोई मछलियाँ नहीं यार, पानी बहुत साफ सुथरा है। और जी हाँ जी चुके हैं सेलिंग।
सेलिंग। उसने आप आपको कैसा लग रहा है चाइनीज? और ये हमारा आठवां दिन है आज, और हम जो खपलू वैली है पहुंच गए, उससे भी आगे एक जगह है सेलिंग, और सेलिंग में भी एक खूबसूरत जगह है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो हम पहुंचे अब यार, तरबूज तो उठा के लाई है यार, खाते हैं। मैं उठा के लाया, अब तेरी बारी उठा के लाने की। और ये बैक साइड में बहुत ही फिट जगह है, वो खपलू है ना। बस ये एक अच्छा सा ग्राउंड है सेलिंग में, आगे भी जगह है, हम चलते हैं अभी दिखाते हैं दरिया से पार। ये जो चले अभी हम लोग तरबूज खा रहे हैं, दिखाओ हम केले केले खाएंगे कढ़ाई भाई लोग। अभी हम जो खा के आए वो क्या है? हम लोग क्या खा के आए? कबाब, चप्पल कबाब, चप्पल कबाब खा के आए। वो सामने है जी खपलो वैली, और यहाँ हम जो है खड़े हैं सेलिंग। यहाँ पे एक कशादा ग्राउंड सा है, और सामने व्यू ओवरऑल अच्छा है, साथ पानी बह रहा है, साफ शफाफ पानी साफ चले। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है करमंग से नहीं, आज मौसम ही ऐसा है यार, आज कुछ मौसम ही ऐसा है, कसम बारिश हो रही है हल्की हल्की। और ये वाले व्यू बहुत अच्छे हैं, देखो यहाँ से देखेंगे ना तो पानी भी है, बैक साइड पे जंगले जंगलात टाइप कोई दरख्त, और वहाँ फैमिली पार्क टाइप, ये वाले व्यू देखो। और ये है फिरोज से, हेलो। आज थके हुए यार, करते करते भी हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं। आज वैसे रेस्ट डे का मूड हो रहा था साजिद का, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती खींच के लाया हूँ, क्योंकि अब दिन कम रह गए हैं, दिन जो है ना वो दो दिन रह गए। लेकिन इंशाल्लाह अभी हम लोग जाएंगे थले भी, थले ब्लॉक खपलू फोर्ट भी, खपलू फोर्ट जाएंगे, और उसके अलावा आखिरी हमारा जिला होगा शिगर। शिगर में हम लोग जाएंगे, शिगर फोर्ट, ब्लाइंड लेक, और ये दो मशहूर जगह। लेकिन आगे जो है हम जा सकते हैं K2 बेस कैंप तक, लेकिन हम जब जाएंगे नहीं, उसमें 7 दिन लगते हैं भाई, 7 दिन तो हमारे पास है ही नहीं, जब इसको हमारी फ्लाइट है। तो इसी के साथ आज मौसम बहुत ठंड है, अभी हम खपलू फोर्ट इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे इंशाल्लाह। सी यू। फिश फार्म है, देखते हैं किस किस्म की मछलियाँ हैं। यह है जी फिश फार्म के अंदर कोई जगह बनी हुई है, और हम चलते हैं अंदर। फिश फार्म सेलिंग है, फिश फार्म सेलिंग। ओए दो बंदे जो है ना वो मेरे ख्याल से नहीं जा सकते इस पे, और ये लिखा हुआ है भाई सफाई का खास ख्याल रखें, जूते उतार कर तशरीफ लें। ओ भाई यार जूते कौन उतारे, जूते साफ हैं यार, क्या जूते उतारना? नहीं नहीं जाए बंद। ओए ऊपर भी कोई जगह है, कोई व्यू पॉइंट है, अगर कोई कहे ना कि जूते उतार के क्यों नहीं आए, हमने कहना है कि भाई हमें उर्दू नहीं पढ़नी आती। हम ये सेलिंग पहुंच चुके हैं, सेलिंग में ये एक फिश फार्म बना हुआ है, और यहाँ पे गेस्ट रूम्स बने हुए हैं बैक साइड पे, में जो है ना वो तालाब से बना हुआ है उसके, और यहाँ पे ये बोटिंग टाइप भी हो रही है, येलो कलर की बोटिंग भी हो रही है। और बोटिंग भी करें अब तो फ्री है ना, 20 रुपये में, नहीं 20 रुपये में जो मर्जी करे भाई। अच्छा ये सेंटर में वो ग्राउंड सा बना हुआ है, और ओवरऑल यहाँ पे ये गेस्ट रूम्स बने हुए हैं, जिसमें तकरीबन फेयर कितना है, 2,000 से 3,000 रुपये तक एक नाइट का है।